Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप AutoCAD उर्दू जुबान में step by step सीख रहे हैं. Dear students, आज के इस lesson में आपको AutoCAD के अंदर copy करने का method बताने जा रहा हूं. अब problem यह है dear students, copy करना simple ये नहीं है, text को copy किया, paste किया, line को copy किया, paste किया. AutoCAD के अंदर कॉपी के अंदर बहुत डिटेल से काम किया जाता है. तो आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन. तो AutoCAD के ऊपर जाके डबल क्लिक कर दें, आपके पास आपका AutoCAD ओपन हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा AutoCAD ओपन हो चुका है. अब यहां पे सबसे पहला काम हमेशा की तरह यूनिट सेटअप्स करना है. इस लेसन में मुझको यूनिट्स की सेटिंग लाजमी चाहिए और डी एंटर कर दें. मॉडिफाइड के अंदर आने के बाद अपने मॉडिफाइड यूनिट्स को भी सेट कर दें, ओके और क्लोज कर दें और व्यू में जाएं, डिस्प्ले यूसीएस आइकन को ओरिजिन कर दें. तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं. फर्स्ट करें, मेरे पास ये जो मेरा ऑब्जेक्ट मैं बनाने जा रहा हूं, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है या इसके ऊपर मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट हुआ है बनाने में. अब डियर स्टूडेंट्स, मुझको इस चीज को कॉपी कर देना है दूसरी जानिब, किसी दूसरी जानिब में इसको लेकर जाना चाह रहा हूं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉपी का यूज करूंगा. कॉपी के लिए मेरे पास जो शॉर्टकट आती है वो मेरे पास है, मैं भी आपको बता देता हूं, वो है CO. अपने कीबोर्ड से जब आप CO एंटर करते हो तो आपकी शॉर्टकट एक्टिव हो जाएगी. देखें डियर स्टूडेंट्स, कॉपी के लिए शॉर्टकट मेरे पास क्या है, CO. CO एंटर करने से आपकी कॉपी एक्टिव हो जाएगी कमांड. तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं कॉपी के ऊपर जाके. देखें, ये मेरा मॉडिफाइड बैनर है, इधर ऊपर आ जाए मॉडिफाइड टूल बार में और ये मेरे पास कॉपी आ जाता है. मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता दिया था शुरू में, मॉडिफाइड जो होता है वो बने हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है. तो मेरे पास ऑलरेडी यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं कॉपी के अंदर क्या, मैंने अब मेरे पास देखे कमांड में क्या आ रहा है, कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट. तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूं. अब जब आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हो उसको आप एंटर कर दें. अब ये आपसे बेस पॉइंट पूछता है. बेस पॉइंट से क्या मतलब है, आप किस जगह से ऑब्जेक्ट को पिक करके आगे लेके उसी जगह पर क्लिक करने से उसको छोड़ना चाहेंगे. तो मैंने इसको फर्ज करें इधर से एंड से पिक किया और मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूं, यहां पर मैं इसको छोड़ देता हूं. वापस आप क्लिक कर डालेंगे ही और वापस आप पीछे आ जाए, वापस आप पीछे आ जाए, जिधर जिधर आप क्लिक करते जाएंगे वहां वहां ये आपके पास क्लिक होता जाएगा. स्केप कर दें. जैसे मैंने इसको स्केप किया, मेरे पास कॉपी का फंक्शन खत्म हो चुका है. अब स्टूडेंट्स, मुझे कुछ करना क्या है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी कॉपी किया है, इसको मैंने मिडिल से इसके एंड पे लाकर रखना है. तो उसके तरीकेकार क्या होगा, अगेन आप कॉपी के ऊपर चले जाए, आप सिलेक्शन के ऊपर चले जाए, इसे राइट क्लिक कर दें और बेस पॉइंट आपसे मांग रहे हैं, आप कहीं भी से एक पॉइंट देके और सिंपल इधर उठाएं, ये इसको इधर ऊपर क्लिक कर डालें. तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे इस काम के लिए यूज होते हैं, इनके बेस टू बेस जो बेस पॉइंट इसका निकला जो इसका निकला सेम टू सेम, मैंने इनको एक ही पॉइंट दिया. जब मैं इधर क्लिक कर दूंगा दोनों को, देखें दोनों आगे की तरफ मूव हो रहे हैं, मीन्स कि आपका कॉपी परफेक्ट हुआ है. इसी तरह से कॉपी के और बड़े डिफरेंट मेथड हैं, उनको भी देख लेते हैं हम. अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको बना दिया एट द रेट टू फिट्स एंड टू फिट्स, x भी टू फिट्स है और y भी टू फिट्स है. मेरे पास एक वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है. इस ऑब्जेक्ट को मैंने x के ऊपर, जो कि मैं आपको पिछले lessons, पहले lessons के अंदर बता चुका हूँ x और y क्या चीज होती है, आपको इसको x के ऊपर मूव करना चाहते हो 5 फिट्स के फासले पे. तो आप कॉपी के अंदर जाए, सिलेक्शन दें, राइट क्लिक करें, इसे एक पॉइंट दे दें. जो आप इसे पॉइंट देते हैं वो आपका बेस होगा. आप इसका एट द रेट, आप इसको x के ऊपर मूव करना चाहते हो 5 फिट्स और y के ऊपर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, डेफिनेटली एंटर कर दें. तो ये क्या होगा, ये आपके पास खुद बहुत एक खास जगह पर आ जाएगा. इस तरह से एट द रेट मैं कहता हूं x के ऊपर आप इसे 10 फिट्स मूव कर डालो और y के ऊपर आप इसे कुछ भी ना करो. जैसे मैं इसे एंटर कर दूंगा तो देखा स्टूडेंट्स, अब आपके पास इसके अंदर और इसके अंदर बिल्कुल इक्वल फासला आ रहा है. क्यों, मैंने जब इसको 5 दिया मेरा ऑब्जेक्ट इधर आ गया, फिर मैंने 5 दिया, फिर मैंने इसको 10 दिया, अगेन ये आगे की तरफ निकलकर आ चुका है. अब प्रॉब्लम यह है यहां पर डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 फिट्स है, क्या ये यहां से एक क्लिक इधर दूसरा क्लिक इधर, इधर के इधर का फासला 5 फिट्स है? तो देख लेते हैं. मैंने डिम स्केल एंटर किया और मैं से यहां पर कोई भी एक वैल्यू एंटर कर देता हूं, मैं से नियर अबाउट 4 फिट्स की वैल्यू देता हूं. मैं अपडेट के अंदर चला गया,
सिलेक्शन, राइट क्लिक कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या यहाँ पर तो 3 फिट्स का फासला आ रहा है। तो आए देखते हैं क्या ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 10 फिट्स का फासला है। ये क्या यहाँ पर तो 8 फिट्स का फासला आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? बेसिकली हमारे पास हमारी वैल्यू परफेक्ट क्यों नहीं आ रही है? प्रॉब्लम ये है, जब भी आप कॉपी करते हो, जो आप बेस पॉइंट उठाते हो उसकी बेस पॉइंट से नेक्स्ट वाले उसी बेस पॉइंट तक आपको मेजर करनी होती है। देखें, मैंने इसको ये बेस पॉइंट दिया था, तो मींस यहाँ भी इसी जगह तक का फासला 5 होगा। और अगेन आप इधर आ जाएं, अगेन आप इसको एक पॉइंट ये दे डालें और दूसरा पॉइंट ये दे डालें, तो आपके पास ये 10 का फासला बीच के अंदर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हमें वैल्यूज के ऊपर रहकर काम करना होता है। तो जब आप वैल्यू के अंदर काम करोगे तो आपको वहां पे ये मेथड अप्लाई करना मस्ट है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, आपको नॉर्मली फ्री स्टाइल आप कॉपी पेस्ट करते हो अपने पास, तो उसके लिए फिर आप सिंपली आप कॉपी के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन मैं इस टाइम पे सी ओ एंटर कर देता हूँ। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कर दें, इसको कोई भी एक पॉइंट दे दें। पॉइंट देने के बाद आप जिधर जिधर इसे क्लिक कर देंगे, वहां वहां आपके पास कॉपी का फंक्शन अप्लाई होता जाएगा। जहां जहां आपने इसको क्लिक कर दिया, वहां वहां आपके पास कॉपी का फंक्शन अप्लाई होता जाएगा। जब आपको कॉपी नहीं चाहिए तो आप इसे स्केप कर देंगे, तो कॉपी आपके पास खत्म हो जाएगी। इस तरह से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, अगेन आपके पास यहां से भी कॉपी का फंक्शन आ जाता है। आप कॉपी के ऊपर क्लिक कर डालें, इसको पॉइंट दे दें, और जिधर भी आप इसे क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपके पास कॉपी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉपी का लेसन। इसकी शॉर्टकट फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, CO, अपने कीबोर्ड से CO एंटर करने से आपको कॉपी की ऑप्शन मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जिसकी हार्ड कॉपी TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बताता चलूँ, अगर आपको इन तमाम वीडियोस की, इस तमाम सीरीज की मास्टर कॉपी चाहिए, मीन्स DVD कॉपी चाहिए, तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, मुसलसल प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।